सबको उत्तराखंड में नमिता का नमस्कार। आज हम सब काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं अपनी ट्रेन बाघ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। आज मैं आपको काठगोदाम का व्यू दूंगी और बताऊंगी कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन आप कैसे आ पाएंगे। ये काठगोदाम का मेन गेट है, यहाँ से आप रेलवे स्टेशन आने के लिए एंट्री कर सकते हैं। और आपको ये बता दूँ कि काठगोदाम यहाँ का लास्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ की रेलगाड़ियाँ रुक जाती हैं, और यहाँ से ही आप पहाड़ों की यात्रा शुरू कर सकते हैं। जब यहाँ आएंगे आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। और इस तरफ का मैं व्यू देना चाहती हूँ, ये ऊपर जो आपको दिख रहे हैं कलर्स वाले सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स, ये राउंड करके पूरे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ कि आप जो भी डिशेज खाना चाहेंगे वो आपको खाने को मिल जाएगा। और इस तरह से ये आप मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप देखते जाइए, ये चारों तरफ आपको मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन का ही व्यू दे रही हूँ। रात के करीब 8:30 बजे हैं और हम लोग भी अपने ट्रेन को लेने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को चार चांद यहाँ का ये इंजन लगा रहा है। ये देखिए TV4 काठगोदाम कुमाऊं टाइगर पूर्वोत्तर रेलवे, इसका भी मैं आपको व्यू दे रही हूँ, ये कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। और एक बार फिर मैं ये लाइट में आपको पूरी काठगोदाम रेलवे स्टेशन को चमचमाते हुए दिखा रही हूँ। और ये जब आप आगे जाएंगे तो रेलवे स्टेशन का जो डिज़ाइन किया हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया गया है, एकदम ब्रिटिश लुक्स के जैसे कॉटेजेस बने रहते हैं उसी तरह से इसको बनाया गया है। मैं अब इसके सामने जा रही हूँ फ्रंट में, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से और साफ दिखाई देगा इसका व्यूज़। आप ये देखिए कि ये रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत दिख रहा है, रोशनी में झिलमिला रहा है। ये रेस्टोरेंट्स में जाने का जगह है जहाँ से कि आप ऊपर जा सकते हैं, और टॉप में रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। करीब 50 रेस्टोरेंट्स यहाँ राउंड शेप में हैं, और यहाँ जिस तरह का भी डिशेज़ आप खाना चाहेंगे आपको सब तरह का डिशेज़ यहाँ खाने को मिलेगा। मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा दे रही हूँ, दिख रहा होगा आपको बहुत सारा बावर्ची रेस्टोरेंट्स, KD किचन, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर कोर्टयार्ड्स बनाए गए हैं जो कि काठगोदाम की खूबसूरती को और भी चार चांद लगाते हैं। अब मैं आपको पूरे ऊपर के फूड कोर्ट्स का दिखा रही हूँ व्यूज़। ठंड में लोग सिकुड़ सिकुड़ के रात का डिनर करने आए हुए हैं। यहाँ तरह तरह के फूड कोर्ट्स हैं, जिस तरह के फूड कोर्ट्स को आपको एंजॉय करना है आप एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है इसे भी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ रेस्टोरेंट का यात्रियों के लिए अरेंजमेंट किया गया है। स्टेशन आने के बाद आपको किसी तरह की असुविधा महसूस नहीं होगी। अभी तो रात के 9:15 बज चुके हैं और क्राउड्स कम हो गया है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियाँ भी बहुत कम आती हैं, दिन भर रात भर में सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ ही आती हैं, जिसके कारण कि पैसेंजर्स यहाँ बहुत कम होते हैं। इस तरह से आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बिल्कुल रूबरू हो गए हैं। जब भी आप उतरते हैं यहाँ पर, लाइन से यहाँ कार्स लगी रहती हैं, और आप यहाँ से कार्स को बुक करके अपने डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं। स्टेशन को काफ़ी खूबसूरत ढंग से डेकोरेट किया गया है, देखने से लगता है कि हाँ ये एक टूरिस्ट स्टेशन है।